सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षक आज से करेंगे आवेदन और कार्यालय आयुक्त जनजातीय विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का आदेश आना बाकी है मित्रों। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और नोटिफिकेशन हो रहे हैं अपडेट और कई प्राचार्य प्रधानाध्यापक जहां पर नए पद रिक्त हुए वहां पर पैनल की तैयारी चल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू की जा रही है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने सत्र 2023-24 के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ पहले से पैनल तैयार है उनमें बुधवार से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, वहीं जहां पैनल तैयार नहीं है ऐसे स्कूलों में 12 से 14 जुलाई तक आवेदन बुलाए जाएंगे। 17 जुलाई से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, रिपोर्टिंग कराई जाएगी। संकुल प्राचार्य ऑनलाइन आमंत्रित आवेदन को आमंत्रण प्रदान करेंगे। आवेदन की स्कूल में उपस्थिति इसी आमंत्रण पत्र के आधार पर मान्य की जाएगी। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने में किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन के पास स्कोर कार्ड होना जरूरी है और इस आधार पर अपडेशन, इसमें नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं होने पर रिक्त पद के कारण अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस को अवकाश व प्रशिक्षण आदि के कारण आप अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। स्कूलों में रिक्तियों को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। CM राइज स्कूलों में भी भर्ती होगी। CM राइज स्कूलों में विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए इसी प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। स्कूल में प्रयोगशाला, खेल कूद और अन्य सह अकादमिक पदों के लिए भी इसी प्रक्रिया के अनुसार भर्ती की जाएगी। दोस्तों, आज हो सकता है DPI का आदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर, और ट्राइबल विभाग में लगातार भर्ती जारी है। बाकी फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।